करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कोई वर्ग जो है उसके विकर्ण बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मैं फिगर थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ। यहाँ पे ये आपका मान लीजिए वर्ग है, ये वर्ग है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये इसके विकर्ण है, ये विकर्ण है ए सी, और ये विकर्ण है इसका बी डी। दो विकर्ण है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। करना क्या हमने इसके अंदर कि विकर्ण बराबर, पहली बात तो विकर्ण क्या होना चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए विकर्ण बराबर। दूसरी क्या है, समकोण पर काटते हैं, और तीसरा क्या है, समद्विभाजित करते हैं। ये तीन बातें बतानी विकर्ण के बारे में, वर्ग के विकर्ण के बारे में। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको पहले इसमें लिख देते हैं। दिया क्या है, दिया है, दिया है, क्या दे रखा है, एक वर्ग ए बी सी डी, एक वर्ग है ए बी सी डी, एक वर्ग है। उसके बाद सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना में क्या क्या होगा देखिए। पहली बात तो विकर्ण बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए सी बराबर क्या होना चाहिए आपका बी डी, एक तो ये करना है। दूसरा फिर एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या है कि ए ओ और ओ ए और ओ सी, ओ बी और ओ डी, आपके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, इससे क्या हो जाएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाली बात हो जाएगी। यानी कि ओ ए बराबर क्या होना चाहिए, ओ सी, ओ बी बराबर किसके होना चाहिए, ओ डी के, ठीक है। फिर अगली बात किसकी, समकोण की, कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि ये कोण ए ओ बी कह दीजिए, उधर आपका ये कोण आपका क्या हो जाएगा, सी ओ डी, किसी एक को जो आप जो है 90 डिग्री का बता दीजिए, यानी कि ए ओ बी बराबर कितना हो जाए आपका, 90 डिग्री का हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर आपका ये आपस में दूसरे को समकोण पर काटते हैं। विकर्ण को बराबर करना है, ए सी बराबर बी डी, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, और समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब एंगल ए ओ बी, कोण ए ओ बी जो है हम उसको 90 डिग्री का सिद्ध करते हैं। इससे होगा, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, हल इसका या प्रमाण इसका, त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी ये वाली, और दूसरी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, पहली बात तो ए डी बराबर बी सी, क्यों, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, चाहे कौन सी भी हो, पहली बात तो क्या लिखेंगे, ए डी बराबर बी सी। रीजन क्या लिखोगे, वर्ग की समान भुजाएं, वर्ग की समान भुजाएं, ठीक है भाई। फिर मैं इसको दे देता हूँ नाम, ये कोण एक हो गया मान लीजिए मेरा, ये कोण रेड कलर से एक, और इस कोण का नाम दे दिया दो, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो कोण एक बराबर कोण दो, प्रत्येक बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है भाई, ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर ए बी, दोनों की कॉमन होगी इनकी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो गया आपकी, सर्वांगसम हो गई, इसलिए त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। कारण क्या देंगे,
एस ए एस सर्वांग समता। ठीक भाई, त्रिभुज हो गया आपकी सर्वांगसम। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम होगी कौन कौन सी, बी ए डी और ए बी सी, तो इसकी भुजा बी डी और इसकी भुजा ए सी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, तो क्या लिख देंगे आप देखिए, अतः अतः बी डी बराबर किसके, ए सी के। पहला रिजल्ट हमारा यही आ गया भी, हमने क्या करना था ए डी और बी सी को बराबर सिद्ध करना था। कारण लिख देंगे सामने यहाँ पे क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं उसके कारण क्या होगी, बराबर होगी। तो एक रिजल्ट तो अपन निकाल लिया जिसको बाद में देखेंगे, ये बी डी बराबर ए सी। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज लेते हैं अब ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी इसको लेते हैं। देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ए ओ बी और सी ओ डी में, यहाँ देखिए क्या करते हैं, मैं इस कोण का नाम देता हूँ तीन, इतना ही, और उधर उसका नाम क्या देता हूँ चार, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग क्या होती है आपकी, एक समांतर चतुर्भुज होती है, इसलिए कोण तीन और चार बराबर होंगे, क्यों, एकांतर कोण है। तो ए ओ बी का कोण तीन और सी ओ डी का कोण चार बराबर है, कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ठीक है जी, उसके बाद करेंगे देखिए, ए बी और सी डी बराबर हैं क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, वर्ग की समान भुजाएं, ए बी बराबर किसके, सी डी के, ए बी बराबर सी डी, कारण क्या लिखेंगे, वर्ग की समान भुजाएं होती है, वर्ग की चार भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, और कोण तीन बराबर कोण चार, एक और लिख देते हैं कौन सा कोण लिखें, एक ये लिख देते हैं, ये कोण आपका पाँच और ये कोण आपका छः, ये भी क्या है, एकांतर कोण है, कोण पाँच बराबर किसके, कोण छः के, ये भी आपके क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, सी ओ डी के। यहाँ कारण क्या देंगे, दो कोण है एक भुजा है, तो क्या हो जाएगा, ए एस ए एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांगसम था। ठीक भाई, अब इनको सर्वांगसम करने से क्या फायदा हुआ हमें, इसकी ओ ए और उसकी ओ सी बराबर होगी, इसकी ओ बी यानी ए ओ बी की ओ ए और ए ओ सी की ओ सी, ए ओ बी की ओ बी और सी ओ डी की ओ डी, ये बराबर हो जाएंगी, यानी कि ओ ए बराबर किसके, ओ सी के, और दूसरा ओ बी बराबर किसके, ओ डी के। यहाँ आपका क्या आ गया, समद्विभाजित करने वाली बात आ गई, अगर ओ ए और ओ सी बराबर हैं इसका मतलब क्या है, मध्य बिंदु हो गया, ओ बी और ओ डी अगर बराबर हैं इसका मतलब इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब ए सी और बी डी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। कारण क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, ये रीजन कारण जरूर लिखने होते हैं भी, पर में जवाब कर रहे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक भाई, एक रिजल्ट आपका ये आ गया, रेड कलर से दिखा दिया मैंने इसको। अब बात रहेगी विकर्ण बराबर कर दिए, समद्विभाजित वाली बात होगी, अब रहेगी आपकी समकोण वाली बात। समकोण के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा
त्रिभुज ए ओ डी में, इन दोनों में देखिए ओबी इसकी ओबी इसकी ओडी बराबर है, क्योंकि अभी अभी हमने बराबर सिद्ध कर रखी है ओबी और ओडी बराबर है, तो इसकी ओबी और इसकी ओडी बराबर है। हाँ बराबर है, क्यों प्रमाणित, अभी अभी हमने बराबर सिद्ध किया इनको, ओबी बराबर ओडी। अच्छा और क्या आपकी इसकी एबी और इसकी एडी वर्ग की समान भुजाएं, एबी बराबर एडी वर्ग की समान भुजाएं, और तीसरी बात क्या रहेगी आपकी OA बराबर OA, ये AOB की और AOD की दोनों की सांझी भुजा है, OA बराबर OA, OA बराबर OA उभयनिष्ठ कॉमन, तो दोनों त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर होगी, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या होगी सर्वांग सम होगी, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज किसके AOD के, कारण क्या लिखेंगे SSS सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता। अगर ये सर्वांग सम होंगे तो सभी संगत अंग बराबर, तो मैं क्या कर देता हूँ AOB के इस कोण का नाम देता हूँ 7 और AOD के इस कोण का नाम कर देते हैं 8, कोण 7 और 8 आपके क्या हो गए बराबर हो गए, कोण 7 बराबर कोण 8, अतः कारण वही सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। चलो अब आगे देखिए, अब क्योंकि 7 और 8 हमने बराबर कर दी, ठीक है बराबर है, लेकिन 7 और 8 क्या है रैखिक युग्म भी तो बन रहा है, एक सीधी रेखा है, यानी 7 और 8 का जोड़ कितना होगा 180 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे कोण 7 जमा कोण 8 बराबर कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, कारण क्या लिखेंगे रैखिक युग्म। अब यहां देखिए 7 और 8 बराबर हैं, 7 और 8 का जोड़ 180 है, इसका मतलब अगर दोनों बराबर भी हों जोड़ 180, इसका मतलब दोनों कितने के हो गए 90 डिग्री के हो गए क्या, इसलिए कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इससे आपके आगे तीसरी बात इसमें यह बताना था कि कोण 90 डिग्री है, क्योंकि 7 का नाम क्या है, 7 क्या आपका इस फिगर में देखूं तो 7 क्या आपका ए ओ बी और 8 क्या है ए ओ डी, तो लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए ए ओ बी चाहिए, अगर चाहें तो कोण 7 बराबर कोण 8, या ये कह दें कि कोण 7 बराबर किसके कोण ए ओ बी के और बराबर किसके 90 डिग्री के, ये हमने ए ओ बी को कर दिया 90 का, हमने बताया था ना यहाँ पे ए ओ बी को क्या सिद्ध कर दें 90 डिग्री का कर दें। तो अब इन सारी बातों को देखिए, इस यहाँ पे क्या किया बी डी बराबर ए सी यानी कि विकर्ण बराबर हो गए, यहाँ ओ ए बराबर ओ सी ओ बी बराबर ओ डी, इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, और यहाँ कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब इसका उत्तर लिख देंगे जो हमने लिखना था, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस ढंग से आपका ये
दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है।